जब भी आप मैनपाट आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ, और एक बात का ख्याल रखें, ध्यान रखें कि ये जो गड्ढे बने हुए हैं यहाँ पे, इस गड्ढे से उधर जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ भूस्खलन होने की 99% चांसेस है। मैं आगे जाना है, ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है सावधान। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हो गया था कांड, और इधर देखिए हेलो फ्रेंड्स, अब मैं जाने वाला हूँ एक नए ब्लॉग के लिए। ब्लॉगिंग के सफर पे चलते चलते मुझे रास्ते में मिल गया एक खूबसूरत नज़ारा। लगता है ये भी कोई छोटा पिकनिक स्पॉट है मैनपाट के अंदर, कुछ लोग वहाँ पिकनिक मना रहे हैं। फ्रेंड्स, अब मैं निकल गया हूँ एक और नए व्लॉग के लिए, जो कि मैनपाट की सनसेट पॉइंट के नाम से मशहूर है। बिल्कुल नई और फ्रेश वीडियो बनने वाली है सनसेट पॉइंट की, और अभी समय हो रहे हैं 4:20 शाम के। जंगलों को पार करके निकलना पड़ेगा हमें, घने जंगलों के बीच पहुंच गए हैं हम। इन घनी वादियों को देख के मुझे दो लाइन याद आ गए, गौर फरमाइएगा। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये खुले हुए उनके पर बोलते हैं, और खामोश रहते हैं जिंदगी में अक्सर, और खामोश रहते हैं जिंदगी में अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जय महाकाल। अब यहां से हमें आगे जाना है, ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है सावधान। क्यों भाई साहब, ये सनसेट पॉइंट कहाँ पे पड़ेगा? आगे जाइए ना, आगे। कितना किलोमीटर होगा? और तीन किलोमीटर। अच्छा, चलो भाई, थैंक यू यार। मैं इंटर कर गया हूँ मैनपाट की सनसेट पॉइंट पे, मैनपाट परपटिया मोहल्ला का नाम है या गांव का नाम पता नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हो गया था कांड, हमारे राइडर को मैंने गाड़ी चलाने के लिए दिया, दीपक को, हल्का सा स्लिप कर गए वो। और इधर देखिए क्या हो रहा है भाई, क्या कर रहे हो आप लोग? यार,
गोविंदा भाई। चलो फाइनली उठा लिए। आज मैं लगा रहा हूँ मैन पार्ट का राउंड, और राउंड लगाते लगाते मेरे कैमरे की बैटरी हो गई है डाउन। तो सबसे पहले कैमरे की बैटरी चेंज करेंगे, उसके बाद वीडियो पे चलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम और एक नए व्लॉग में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूँ। ये मैनपाट की सनसेट पॉइंट के नाम से मशहूर है, और मैनपाट आके यहाँ नहीं आया तो फिर क्या मैनपाट आया। वीडियो पे आप लोगों को पता नहीं कैसा और कितना व्यू दिख रहा होगा, लेकिन बहुत ही अमेजिंग और खूबसूरत ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ। नेचर की असली खूबसूरती यही है। जब भी आप मैनपाट आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ, और एक बात का ख्याल रखें, ध्यान रखें कि ये जो गड्ढे बने हुए हैं यहाँ पे, इस गड्ढे से उधर जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ भूस्खलन होने की 99% चांसेस है, और इस मिट्टी पे काई भी बहुत अधिक है। तो स्पेशली बरसात के मौसम में यहाँ है तो थोड़ा संभल कर रहें। तो फ्रेंड्स, ये थी मैनपाट के सनसेट पॉइंट की वीडियो। जो कभी घूमने आए तो यहाँ ज़रूर आइएगा आप लोग, बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मैनपाट में आकर ये नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। और यहाँ से वीडियो मैं अब एंड करता हूँ। जय महाकाल।